आज तक आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। वो इतनी बुरी थी जितना आप कह रहे थे, तो आप इसके संग इस तस्वीर में खुशी में बावड़े क्यों हो रहे हो? ये दिया थारी पहली लुगाई गायत्री ने थारे लिए जलाया था, पर लोग कहे कि गायत्री का प्यार ही थारे को मौत के मुंह से वापस ले आयो था। राजा जी, आप कहो कि आपको गायत्री से नफरत से, पर अगर नफरत से तो ये दिए को बुझते हुए क्यों नहीं देख सकते? बंद करो। माफ करना राजा जी, ते अंग्रेजी डब्बा देख लिया ना, तो ये घनी बावरी अपने को रोक ही ना पाई। ये धुन तुम्हें कैसे आती है? क्यों, ये धुन कोई ताड़े में धरी सके कि थारे अलावा और कोई गाना सके? हजारों लोगों को आती है ये, पर ये धुन बजते ही आप तड़प कुमार क्यों बन गए? से किसी की याद आ गई कि? बिल्कुल भी नहीं, हम बस दोबारा ये सुनना भी नहीं चाहते। ले, जिस चीज से फर्क पड़े उस पर ताड़ा क्यों डाल देते हो आप राजा जी? जिस दिन से मैं इस महल में आई हूँ उस दिन से मैंने देखा इस महल में कोई दिल की बात करे ही ना। जानते हो क्यों? क्योंकि आप दिल की बात सुनना ही नहीं चाहते। क्या मतलब है तुम्हारा? मत बढ़िए, सब ने आपसे कहा रागेश्वरी से प्यार करो, पर कदी रागेश्वरी की आंखों में देखकर तारे मन में प्यार जागा से? जितने खुश गायत्री के साथ उस तस्वीर में दिखे से, उतनी खुशी कभी दूजी दुगाई के साथ? हमने कभी गायत्री से प्यार नहीं किया, हमारी शादी एक सौदा थी और ये सच है। जो क्या गीता में लिखा से, जो सच होगो ही होगो। राजा जी, ये पाठ भी थारे को थारे घर वालों ने ही पढ़ाया से। ऐसा भी तो हो सके कि असली कहानी कुछ और हो और थारे को पता ही ना। सच को देखकर मुंह मोड़ लेने से भी ना सच वहीं का वहीं रहता है राजा जी। जब तक थारे को सच का पता नहीं चलेगा ना, थारे को शांति नहीं मिलेगी। तुम क्या जानती हो, क्या जानती हो तुम? इंसान जिसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो, अगर वही उसकी जान लेने की कोशिश करे तो कैसे लगता है? तुम जानती हो, गायत्री ने हमें धोखा दिया। हाँ, शायद वो हमसे प्यार किया करती थी, पर हमें कुछ भी याद नहीं। हम उस प्यार को याद करने की कोशिश करते पर हमें याद नहीं, उस धोखे को भूलने की कोशिश करते पर हम उसे भूल नहीं पाते।
कहते कि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं, हमारे लिए वो वक्त वो समय रुक गया है उस दिन उस एक पल जब हमारी पत्नी रानी गायत्री ने हमें मारने की कोशिश की, हम पर गोली चलाई। क्या जानती हो तुम? इतना तो ही गणी बावरी भी समझे राजा जी कि जो थारी लुगाई बेवफा होती ना तो खुद खाई से कूद कर जान ना देती। जरा सोचो राजा जी, उसने थारे पर गोली क्यों चलाई? हमें मारने के लिए, और किसके लिए? क्यों, उस बावड़ी को सफेद साड़ी पहनने का बहुत शौक था के? जे तुमने मारने चली थी ते अपने खसम को मारकर एक लुगाई को क्या मिलेगा राजा जी? सिंहासन, हमें मार के उसे सिंहासन चाहिए था। सिंहासन के लिए थारे को मारा और खुद खाई में जाकर गिर गए। क्यों, खाई में सिंहासन बट रहे थे के राजा जी? राजा जी, उसने थारे को सिंहासन के लिए मारा तो यहाँ वो सिंहासन लेने क्यों नहीं आई? अरे वो तो खुर्ची खटिया कुछ भी लेने नहीं आई राजा जी। हमें नहीं पता और हम सुनना भी नहीं चाहते। सुनना पड़ेगा, हो सके है कि थारे को पूरा सच पता ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि थारे को जो पता हो वो पूरा पूरा झूठ हो। ये तुम क्या कह रही हो? राजमहल में हमसे कोई झूठ कह रहा है? कौन? एक भैंस सारे तालाब को गंदा कर सके है राजा जी, और थारे इस महल में, थारे इस महल में झूठ बोलने वाली भैंसे ही भैंसे पड़ी है। राजा जी एक बार सोच कर तो देखिए, सोचिए गायत्री ने ऐसा क्यों किया राना जी? उसने उसे किसने मजबूर किया होगा? वो उस दिन पहाड़ी पर कैसे पहुंची? शटअप! उसके पास बंदूक कहाँ से? और अगर बंदूक आई तो उसने बंदूक चलाना किसे सिखाया? शटअप! शटअप! गायत्री! झूठ की भूल भुलैया में आप फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता लंबा है, मुश्किल है, पर मैं आपको इस भूल भुलैया में से निकाल के रहूंगी। दो कौड़ी की नौकरानी अपनी औकात भूल गई? महल की नौकरानियां पायदान होती हैं, राजे रजवाड़े उन पर पांव पोछा करते हैं, चादर बनाकर ओढ़ा नहीं करते। जब अपनी ही चादर हवा हवाई बनकर घूमने लगे तो पैदन को ही चादर बनना पड़ रहा से। तेरी तो
चाची की तबीयत ठीक ना से? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें चुप कराने की? और तू हमारे पति के साथ कर क्या रही है? आप न जाने कौन से महले घूमने गए थे कि बिरार चाची को चक्कर आ गया से। तो उन्हें क्या नीचे जमीन पर लेटने देती? तो जैसियों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अकेले मर्द को रिझाने के लिए तुझ जैसी औरतें क्या क्या करती है हमें सब पता है। अच्छा तो यो भी बता दो, यो बात थारे को इतने विस्तार में कैसे पता से? आपने भी यही किया तो के? तू ऐसे नहीं मानेगी। चल कम से कम अपने खसम का तो ख्याल कर। हाँ, उनका ख्याल रखने के लिए मैं। चल तू चल यहाँ से। रानी जी चल। रानी जी मेरी बात सुनिए। निकल महल से। रानी जी हमारा कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? हाँ दोस्त थारी नजरों का से। अरे वाह, शक्ल से तो हूर परी है ही, अब इसकी बातें भी सुन लो। अरे पर राकेश्वरी तुम इस रूपपति को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या किया क्या इसने? बताओ रानी जी हमारा कसूर कैसे? इसने इसने चोरी की है। कि ये मजाल? नहीं कुंवर जी, कोई गलत फहमी हुई है। ये लड़की ईमानदार लगती है, चोरी नहीं कर सकती। नहीं कुंवर रानी जी, ये नौकरानी हमें पहले दिन से सही नहीं लग रही थी, और आज इस चोटी को हमने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। अब तुम्हें हम इस महल में नहीं रहने देंगे। तुझे पता था कि हिरण होले का मतलब क्या है? रानी जी मैंने कोई चोरी महल से। मैंने कोई चोरी ना की से। मेरी बात सुनो रानी जी। ये रागेश्वरी तो सचमुच अपने आप को आमेर कोर्ट की रानी समझकर फैसले भी सुनाने लग गई है। दूर हो गई हमसे जो बिल्ली को मलाई की रखवाली सौंप दी। ज्यादा ही सर चढ़ के बोल रही है, उसका कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस दहलीज को पार करने में कितनी मुश्किलें आई थी, कितनी मेहनत की थी मैंने, और आज वो मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। अब मैं इस दहलीज के इस तरफ और राणा जी उस तरफ, उन्हें मेरी जरूरत है और मैं उनके पास नहीं हूं। खिड़की बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता ये दिया बुझ जाता तो? गायत्री! पर मेरा मन कहता है कि राणा जी जरूर आएंगे। फूल और खुशबू ज्यादा देर एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मेरी बातों का राणा जी पर कुछ तो असर हुआ होगा। रागेश्वरी तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे राणा जी से दूर नहीं रख सकती। ये रागेश्वरी इस महल को अपनी जागीर समझने लगी है। अरे रानी मां, उसे तो लगता है उसने किला फतेह कर ही लिया है। अब देखिए, और कम से कम आपकी मुंह पर तो इज्जत करती है, पर कुंवर जी उन्हें तो भिखारी जैसा बनाकर रखा हुआ है उसने। ऐसा भी नहीं है कोकिले। ऐसा ही है कुंवर जी, तभी तो लक्ष्य राज के कार्यक्रम में आपको बग्गी में बैठ के जाना पड़ा। समझ में आती है बात कि मोटर खराब हो गई थी, पर उसके बाद भी महल की किसी और मोटर में नहीं बैठने दिया इन्हें। अब बताइए, दूसरे राजाओं के तो कुत्ते भी मोटर में सफर करते हैं, पर इनकी हालत तो कुत्ते से भी बदतर की हुई है। अगर उसकी नजरों में हमारी हालत कुत्ते से भी बदतर है तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। हम तो बस कह रहे थे। अभी आज उस नौकरानी को राणा जी से बिना पूछे निकाल दिया, ये तो शुरुआत थी।
और आगे बढ़ी तो हम तक पहुंच जाएगी, कल को हमें भी निकाल देगी यहां से। अरे रानी मां, फिर हम क्या करेंगे? दूसरों की पतंग काटने के लिए तेज मांझा लाए थे हम। आह, कमबख्त, हमारे हाथ काट रहा है। इसे इसकी औकात बतानी पड़ेगी, इसे बताना पड़ेगा कि जो हाथ इसे पतंग में बांधकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, वही हाथ इसे खींच कर जमीन पे भी गिरा सकते हैं। इसका मतलब है कि मांझा काटने का वक्त आ गया है बड़ी रानी मां। नहीं कंवर जी, मांझे को काटने का वक्त नहीं आया है, लेकिन जो हमने ढील दे रखी थी ना, उस ढील को कसने का वक्त आ गया है। क्या हुआ कुमार जी? हमें लगा कि कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन शायद वो हमारा वहम था। हम पर कौन नजर रखेगा? हमें नजर रखनी होगी, महल का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। हमें राणा जी और रागेश्वरी दोनों की पल पल की खबर रखनी होगी। राणा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। हमें होश नहीं आया, हम नींद से जागे हैं। नहीं राणा जी, आप लगभग बेहोश थे, और आपको पता भी नहीं जब आप होश में नहीं थे तो यहाँ क्या क्या हो गया। सावित्री? सावित्री? हाँ सावित्री, वो कहाँ है? उसे चोट तो नहीं आई ना? उसे चोट क्यों आएगी राणा जी, और आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें तो मालूम है कि आजकल हमारी दिमागी हालत कैसी है, हमें मानो गुस्से के दौरे आते हैं। ऐसी एक दौरे में हमने सावित्री पर गोली चला दी, क्या वो ठीक है? अय हाय, आपका निशाना भी आज ही चूकना था राणा जी। आज ही उस रूपवती का राम नाम सत्य हो जाता तो अच्छा होता। वो बेचारी डर के गिर गई, हम उसके पास गए उसे देखने, और अचानक से हमें चक्कर आने लगा, और हम उसके बाद हमें कुछ याद ही नहीं। सावित्री, सावित्री! राणा जी, उसे आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। वो जा चुकी है? कहाँ गई है? हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि राणा जी, वो आपकी बेहोशी का फायदा उठाकर महल में चोरी कर रही थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, वो ऐसे नहीं कर सकती। हर सावित्री सती सावित्री तो नहीं होती है ना राणा जी, और वैसे भी हमने खुद अपनी आंखों से उसे आपकी अंगूठी चुराते हुए देखा है। चोरी का इल्जाम लगाया है तो चोरी भी करनी पड़ेगी। अब अगर राणा जी ने सवाल उठाया कि सावित्री ने क्या चुराया है, तो हम उन्हें बताएंगे कि उनकी रूपवती नौकरानी ने उनकी उंगली से अंगूठी चुराई है। ऐसे कैसे हो सकता है? रच्चे जी, ये तो सोने का ताड़ा से। नहीं, तुम्हें कोई धोखा हुआ है, सावित्री ऐसी लड़की नहीं है। राणा जी, हम आपसे कह रहे कि वो चोर नहीं है, उसने चोरी की है तो की है, और आप अपनी रानी का विश्वास करेंगे या मामूली सी एक नौकरानी का? हम पर विश्वास कीजिए राणा जी, हम सच कह रहे हैं।
घरवाले की सुनते हो, अपने दिल की नहीं। राजा जी, जो ना दिखता उसे देखना सीखिए। हो सके है कि तारे को पूरा सच पता ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तारे को जो पता हो वो पूरा पूरा झूठ हो। राणा जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। इन सब बातों को संभालने के लिए हम हैं ना, आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए राणा जी, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। सावित्री को निकालना ना तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना अधिकार, ये हमारा महल है। तुम यहां इल्जाम तो लगा सकती हो पर फैसला नहीं सुना सकती। फैसला सुनाने का हक सिर्फ राजा का होता है। सावित्री ने चोरी की है या नहीं की है, और अगर की है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, ये सिर्फ हम तय करेंगे और कोई नहीं, तुम भी नहीं।